आप सभी को जय भीम। आजकल सार्वजनिक कार्यक्रमों में मैं कम जा रहा हूँ, कुछ गंभीर काम में लगा हुआ हूँ, इसलिए मुझे लगता है 3-4 महीने बाद किसी मंच पे थोड़ा लंबा बोलने के लिए आया। लेकिन मैं मन की बात नहीं करता, काम की बात करता। एक तो माने साहब को बधाई दीजिए कि कम से कम 13 छोटे छोटे दलों का गठबंधन बनाया है और आज शायद मेमोरेंडम भी राष्ट्रपति को दिया है, राष्ट्रपति को दिया है, क्योंकि लगातार हम लोग कुछ बात कहते आ रहे हैं कि सिर्फ भीड़ से जो है ना हुकूमत नहीं बदला जाता है, इस भीड़ से नहीं बदला जाता है, भीड़ के अंदर अगर समन्वय नहीं हो, अब भीड़ को अगर वोट में नहीं कन्वर्ट कर पाए तो समझिए हुकूमत आपकी नहीं रहेगी। बहुत दिनों से 85-90 का नारा सुनता आ रहा हूं, गंभीरता से सुनिएगा। राजसत्ता एक चुनाव के द्वारा आता है और कई बार लीडर्स, सोशल एक्टिविस्ट वो जाते हैं और रूलिंग क्लास से, रूलिंग क्लास में कह रहा हूं, नेताओं से, मंत्रियों से, ब्यूरोक्रेट से, तमाम एकेडमिशियन से डेलीगेशन लेकर जाते हैं, उसको मेमोरेंडम देते हैं, उसको बातचीत करते हैं और बातचीत के थ्रू ही वो धीरे धीरे हक अधिकार अपने लेते हैं। बाबा साहब को अगर याद कीजिए तो शूद्रों अछूतों की शिकायतें, स्टेट एंड माइनॉरिटी, राज्य अल्पसंख्यक, तमाम वो संवाद करते थे, संवाद उस समय के जो वॉयस राय थे उनसे संवाद करते थे, गांधी नेहरू सर से संवाद करते थे, तो संवाद करके उसको कन्विंस करते थे, कन्विंस, और कन्विंस करके उन्होंने संविधान में जो है प्रावधान बनवाए। आजकल मुझे लगता है कि हमारे लीडर्स ने जो है, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं देश में, उनको ब्राह्मण भगाने में सारी एनर्जी लग रही है, वो तमाम लीडर जो है कोई संवाद नहीं करते हैं किसी से, दिन भर बैठ के सिर्फ गाली देते हैं, गाली देते हैं और भगाते हैं। दोस्तों, लोकशाही है, लोकशाही में दलों से, सरकारों से, लोगों से संवाद करना पड़ता है। बाबा साहब का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। बाबा साहब अकेले कन्विंस करके आर्गुमेंट करते थे, वो चाहे वो गोलमेज सम्मेलन हो, पूना पैक्ट हो, उसके बाद कैबिनेट मिशन हो, नेहरू की सरकार हो, जवाहरलाल नेहरू हो, वो हर समय आर्गुमेंट करते थे। इसलिए मैं समझता हूं माने साहब, संवाद की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए दलों से भी और रूलिंग एलिट से। अब सोचिए हमारे लोगों में राजनीतिक चेतना बहुत आ गई, बहुत ज्यादा, और जब से राजनीतिक चेतना बढ़ने लगी, जो अधिकार हमें संविधान में मिले थे वो अधिकार एक दिन में नहीं मिले थे, वो अधिकार क्रमशः धीरे धीरे मिले थे। पूना पैक्ट, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, संविधान में फिर नौकरियों, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में आरक्षण, फिर बाबा साहब के बाद सरकारी संस्थाएं बनी, पीएसयूज बने, पीएसयूज में आरक्षण, तब अभी हमारे कई साथी 4-4 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, 4-4 लाख तनख्वाह ले रहे। तो धीरे धीरे जो आरक्षण मिला था वो मोदी सरकार एक झटके में खत्म कर रही है। इसलिए मेरे से पहले वक्ता ने ठीक ही कहा था कि ये लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है, एक इंसान की नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। मनुस्मृति क्या कहता है कि अछूतों का धन जो है वो टूटे बर्तन होने चाहिए, फटे कपड़े होने चाहिए, टूटे बर्तन में खाना खाना चाहिए, काले लोहे उनके जो है होने चाहिए आभूषण। तो आरएसएस मनुस्मृति में विश्वास करने वाली संस्था है और उसका पॉलिटिकल आउटपुट है बीजेपी। तो कितना आराम से कर रही है कि धीरे धीरे सबका प्राइवेटाइजेशन कर रही है, तो आपके पास फिर मनुस्मृति के युग में आपको पहुंचा दिया जाएगा। जब नौकरियां नहीं रहेगी
तो सेल में और भेल में 4 लाख कहां से पाओगे? तो आपका एक मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास ही बैकबोन है, कांशीराम जी को वही मिडिल क्लास ने बनाया था, उसी मिडिल क्लास ने बनाया था। अभी जितने संगठन अभी घूम रहे हैं भारत भर में, कर्मचारियों के बहुत सारे संगठन, उसको वो पैसा भी वही मिडिल क्लास देता है। आप सोचिए कितनी बड़ी साजिश है कि 10 साल बाद आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिलने वाली। तो मिडिल क्लास रहेगा नहीं तो न संगठन चलेगा न पार्टी चलेगी। ये साजिश को समझिए। इसलिए हम सरकार की नीतियों का विरोध करने आए हैं, पहली बात। दूसरी बात, मेरे पास एक आंकड़ा है। हमारे किसी विमर्श में माने साहब चूंकि प्रोफेसर रहे हैं, वो बात मेरी समझ रहे हैं और समझेंगे भी, उसको एजेंडा में लाएंगे। हमारे बहुत सारे दल को ये गलतफहमी रहता है कि जब राज सत्ता में आ जाएंगे तो सब कुछ बदल देंगे एक दिन में। ये गलतफहमी पहले दिमाग से निकालिए, क्योंकि राज सत्ता सिर्फ संसद और विधानसभा नहीं चलाते हैं, उसके वकील, उसके इंटेलेक्चुअल, उसके अर्थशास्त्री, उसके नीति निर्माता, ये चलाते हैं राज सत्ता। सब बात मोदी जी को नहीं पता होगा, सब बात मुख्यमंत्री को नहीं पता होता है। उसके आसपास जो उसके होते हैं ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, राज सत्ता वो चलवाते हैं। इसलिए असली ताकत संस्थाओं के अंदर है, संस्थाओं के अंदर है। आखिर 600-700 साल मुसलमानों का शासन रहा इस देश में, तब भी ब्राह्मणवाद जिंदा रहा, जिंदा रहा। वो कहां से जिंदा रहा? वो मठ मंदिर, मंदिर के थ्रू जिंदा रखा, उसी से एजुकेशन मिली। आजकल हमारे पूरे राजनीतिक विमर्श में कहीं भी एजुकेशन शिक्षा पे कोई विमर्श नहीं है। एक तरफ आपकी नौकरियां और दूसरे तरफ आपके बच्चों के लिए विश्वविद्यालय और कैंपस टॉर्चर गृह, यातना गृह बनाए जा रहे हैं। अभी दर्शन सोलंकी का एग्जाम्पल है, बॉम्बे आईआईटी में सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया। अभी दिल्ली आईआईटी का आपने देखा होगा, सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया। रोहित बबूला, पायल तडवी, सारे कैंपसेस में, आईआईटी में, मेडिकल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, आपके बच्चे ही जब पंगु बनेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लीडर्स आप कहां से लाएंगे? काप अकेले हमारे माने साहब के करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए माने साहब, ये मैं आह्वान कर रहा हूं इस मंच से कि जहां जहां इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, एक अभियान कैंपस घेरो अभियान चलाओ, क्योंकि विश्वविद्यालय से ही लीडर्स पैदा होते हैं। बाकी तो बहुत सारे डीलर घूमते ही रहते हैं, डीलर्स बहुत घूमते हैं। तो विश्वविद्यालय में ना आपके इंटेलेक्चुअल बनेंगे, ना बच्चे पढ़ेंगे, ना हिस्टोरियन बनेंगे, ना इंजीनियर बनेंगे, ना डॉक्टर बनेंगे, तो आपके सबसे ब्रिलियंट बच्चों को वहां कब्रगाह बना रहा है। ये मैं अपने अनुभव से मैं कह रहा हूँ। अब एक आंकड़ा देता हूँ, सरकारी आंकड़ा, और ये चल रहा है व्हाट्सएप पे, सरकार के संसद में पेश हुआ है कि 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमको 5 एमपी बनाने से बेहतर है, अगर मुझे मौका मिले तो 100 इंटेलेक्चुअल तैयार करेंगे, क्योंकि 100 इंटेलेक्चुअल 500 नेता पैदा कर देगा। ये समझिए, 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में टोटल टीचिंग पोजीशन कितना है? सुन लीजिए, 13,098 जनरल कैटेगरी का, 8,734 एससी का, 1421 एसटी का, 625 ओबीसी का, 1901 परसेंटेज जोड़ लीजिएगा, परसेंटेज भी बता दूंगा। नॉन टीचिंग में पूरे विश्वविद्यालय में 20,199 टोटल, जनरल है 14,145, एससी है मात्र 1958, एसटी है मात्र 1141, ओबीसी है मात्र 2526। अब आइए जरा कैटेगरी बता देता हूं। जब आपके इंटेलेक्चुअल अगर 100 बनते हैं ना प्रोफेसर, तो उसमें हो सकता है कि 5 इंटेलेक्चुअल बन जाए जो सरकार को चुनौती दे डाले, 5 ही लोग चाहिए होता है।
अब आइए प्रोफेसर में कितने लोग हैं? टोटल है 1341 सेंट्रल यूनिवर्सिटी खाली कह रहा हूँ। जनरल है 1146 85% से ज्यादा 85% पॉपुलेशन आपकी, नारा आप लगा रहे हो लेकिन विश्वविद्यालय में 85% उनके जो है प्रोफेसर। एससी 96 ओनली 7%, एसटी 22 ओनली 2% और ओबीसी 4.5% 4.5। एसोसिएट प्रोफेसर सुन लो 2817 जिसमें जनरल है 2304, एससी है 231, एसटी है 69, एससी 8% ओनली और एसटी जो है 2.5%, ओबीसी 6.5%, 187 सिर्फ सिर्फ। असिस्टेंट प्रोफेसर 8940, जनरल 5284, एससी 1094 12%, एसटी 534 6% और ओबीसी 1654 18.5%। वाइस चांसलर टोटल 45, एससी 1 एसटी 1 ओबीसी 5, रजिस्ट्रार 45, एससी 2 एसटी 2 ओबीसी 3। तो वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार में 45-45 जोड़ के देख लो आपके परसेंटेज कितने हैं। आपको क्या लगता है कि ये राजनीति सिर्फ इलेक्शन में लड़ाई लड़ी जाती है? अरे आपके लोगों का दमन हो रहा है, हकमारी हो रहा है। 10,000 प्रोफेसर बनवाओगे तो उसका अगर 1% भी अगर ढंग का इंसान निकल गया, 1% भी उसका एग्जाम्पल सामने हूं, उनसे डरता नहीं। तो आपके छात्रों को दमन किया जा रहा है, आपके जो टीचर्स वहां पे आवाज उठा रहे हैं उसका दमन किया जा रहा है, उसके करियर को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बहुजन विमर्श में ये कहीं नहीं है। बहुजन विमर्श में आप आइए, मैं पढ़ाता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हिंदू कॉलेज में आगे पढ़ाता हूँ। मेरे कई साथी आए थे अभी 3-4 दिन पहले, 10 किताबें लिखने के बाद मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, प्रोफेसर नहीं बन रहा हूँ। 5 साल से किताब लिखने के लिए छुट्टी मांग रहा हूँ, कानून अधिकार होने के बावजूद नहीं मिल रहा। अगर आवाज उठाओ तो महिला उत्पीड़न कानून में बचा देगा, वो भी मैं लड़ चुका, आज तक रिपोर्ट वापस नहीं मिली। उससे भी नहीं जीतेगा तो हमारे एक दोस्त है चंद्रभान प्रसाद, वो कहते हैं जब सवर्ण आपसे जीतते नहीं है तर्क करने में तो आपके घर के आसपास कूड़ा फेंकवाते हैं। तो आके देखिए ऐसे सड़े गले मानसिकता वाले प्रिंसिपल से मैं लड़ रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि व्यक्तिगत लड़ाई है, अरे व्यक्तिगत लड़ाई होती तो मैं चुपचाप बैठ जाता, इनसे आंख में आंख मिला के क्यों लड़ता, अपने करियर क्यों दांव पे लगाता। सवाल ये इसलिए उठा रहा हूँ, आज सिर्फ शिक्षा में मैंने सवाल उठाई है कि आपके बच्चों के लिए, आपके भाई के लिए, आपके बहन के लिए जो पढ़ा भी रहा है, डर के मारे बोल नहीं रहा है कि बोल देंगे तो आरएसएस बीजेपी वाले लोग बैठे हुए हैं उसको विक्टिमाइज करेगा। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि हमारे जैसे कुछ लोग होंगे जो आवाज उठाएंगे, उनसे लड़ेंगे, अरे कैरियर वरियर देखा जाएगा, जो होगा अंतिम में आप लोग के बीच चले आएंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन इसीलिए इस तरह से टॉर्चर किया जाता है कि आपके लोग आपके समाज के लिए आवाज न उठाए, सरकार और व्यवस्था की क्रिटिक नहीं करे। इसलिए जितने आपके जितने अधिकार होना चाहिए विश्वविद्यालयों में आईआईटी में आपके अधिकार माने जा रहे हैं, सारा निजीकरण करके सब कुछ बर्बाद किया जा रहा है आपके हक हकूक को। 10-20 साल ठहर लो, 10-20 साल में जो है ना लड़की के शादी के लिए सरकारी लड़का नहीं मिलेगा, ये मोदी साहब आपका इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन तब भी जो है कई दलित संगठन, कई दलित पार्टी, उनको बीजेपी अपना शत्रु नंबर नहीं दिखता है। कई नेता वो जाके उसी गोद में बैठ जाते हैं जो आपके पूरे हक हकूक, आपके पूरी आने वाली पीढ़ियों की हकमारी कर रहा है। इसलिए शत्रु को पहचानिए। चलते चलते सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि बाबा साहब ने कहा था, दो कोट में बता रहा हूँ कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित वो होता है अपने शत्रु को पहचानता है, शिक्षित वो होता है जो अपने शत्रु को पहचानता है। तो जो जिस समय अधिकार मिले वो अगर आपका शत्रु एक नंबर एक है, आप बीजेपी अगर शत्रु नंबर दो है, तो मुझे इस राजनीति से असहमति है। बीजेपी हमारा शत्रु नंबर एक है। बाबा साहब ने यह भी कहा था
कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो गुलाम होता है। जब विश्वविद्यालय के दरवाजे जब बंद किए जा रहे थे, इतिहास कहां से आएगा, इतिहासकार कहां से आएगा, वकील कहां से आएंगे, कौन लड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा, खाली इलेक्शन में आप वोट दे दो। अरे आजकल तो पार्टी का पार्टी बिक जाता है। माने साहब बताएंगे कि महाराष्ट्र में पार्टी का पार्टी बिक गया, बिहार में भी बिक जाता है पार्टी का पार्टी। तो जिसका बौद्धिक वर्ग मजबूत होता है, नेता और दल आते जाते रहे, समाज को सही डायरेक्शन देता रहता है। चलते 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 बाबा साहब ने एक लाइन और कही थी, जो मैं अपने घर में बाबा साहब की मूर्ति लगाया उस पर लिखवाया हुआ है पत्थर पे, कि नथिंग इज मोर डिस्ग्रेसफुल फॉर अ ब्रेव मैन, नथिंग इज मोर डिस्ग्रेसफुल फॉर अ ब्रेव मैन देन टू लिव लाइफ डिवॉइड ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट। एक बहादुर इंसान के लिए आत्मसम्मान और स्वाभिमान से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। जितनी नौकरी के लिए आपके बच्चे पढ़ रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा सैलरी की नौकरी मेरे दांव पे लगी हुई है। और आज भी चुनौती देता हूं भाई चांसलर को, मिनिस्टर को, प्रिंसिपल को, तुम्हें जो कर रहे हैं करो, लेकिन हमारी नजर नहीं झुकेगी। नजर में नजर मिला के बात करेंगे, चाहे इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े। डरते नहीं है मोदी जी, अपने भाई चांसलर को समझाइए, आप ही ने भाषण दिया था कि दलित भाइयों को मत मारो, मुझे मार लो। मैंने अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखा है, ये कैंपस में किस तरह से भेदभाव हो रहा है, कैसे दलित आदिवासी पिछड़ों का अल्पसंख्यकों का वहां दमन हो रहा है, चीफ जस्टिस इंडिया को लिखना पड़ रहा है। सोचिए इसका मतलब है कि कोई संस्थाएं काम नहीं कर रही है ठीक से। हर जगह छोटा छोटा तानाशाह बैठा है, हर जगह, मेरे कॉलेज में भी छोटा तानाशाह बैठा है, लेकिन तानाशाह को तो वहां हम टक्कर दे लेंगे। माने साहब राजनीति में तानाशाह को टक्कर देने की तैयारी करो। एक बात आज इस सभा में पारित कर ही लो कि जिस IIT, जिस मेडिकल कॉलेज, जिस यूनिवर्सिटी में अगर कोई भी सुसाइड का उत्पीड़न का केस आया, हम लोग 10,000 लोग मिलके उस कैंपस को घेर देंगे। देखिए आपके साथ छात्रों का पूरा हुजूम इकट्ठा होगा, नौजवान आएंगे, क्योंकि उन नौजवानों के पीछे कोई लड़ने वाला तैयार नहीं है। नेता हमारे कहते हैं कि खाली वोट दे दो, हम सरकार बना लेंगे तो सब ठीक कर देंगे। ये मुगालते में मत रहिएगा, सरकारें बनी और दलितों के अधिकार भी खत्म हुए और दमन भी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। अधिकार भी खत्म हुए हैं और दलितों का दमन भी बड़ा है। कोई नेता सड़क पे जो पार्लियामेंट घेरने के लिए नहीं आ रहा, जब नहीं आ रहा है, दो बार इस समाज ने भारत बंद किया था, आपको याद होगा, 2 अप्रैल 2018 और 5 मार्च 2019 रोस्टर के आंदोलन पर। तो इसलिए मैं आपसे ये आग्रह करने आया हूं कि राजनीति बगैर एजेंडा के वो कभी भी बिकाऊ होगी। अगर एजेंडा सेट करिए, दलित मैनिफेस्टो लाइए, अगर एजेंडा है तभी आपकी राजनीति टिकाऊ होगी। शुक्रिया, जय हिंद।